हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नामिकाज कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ पनीर टिक्का मसाला बनाने का बहुत ही आसान तरीका। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना टेम्पटिंग, स्वादिष्ट? यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। एक बार आप इस तरीके से ट्राई करें, आप इसे रोटी, पराठा, नान, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए जल्दी से देख लेते हैं कैसे मैंने तैयार किया है स्वादिष्ट पनीर टिक्का मसाला। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे आधी कटोरी दही। गाढ़ी गाढ़ी दही ले लें, ये देखिए थिक कर लें, इससे हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम दही में डाल देंगे एक चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इस तरीके से मैंने पेस्ट डाला है, आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके बारीक काट के भी डाल सकते हैं। पेस्ट डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है क्योंकि दही के साथ ये मिक्स हो जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अब इसमें डाल दूंगी मैं कुछ मसाले। तो यहाँ सबसे पहले मैं ले लूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, इसके साथ ही फ्रेंड्स एक चम्मच हम भर के डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये तीखी नहीं होती, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही डाल दूंगी आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच ही डाल देंगे फ्रेंड गरम मसाला। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे काला नमक, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही इसको और चटपटा बनाने के लिए यहाँ डालेंगे एक चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार। इसमें डाल देंगे अच्छी सी बाइंडिंग के लिए दो चम्मच बेसन, थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके, और साथ ही बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल देंगे एक चम्मच गरम गरम सरसों का तेल। इस तरीके से डाले, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बस अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से एक बार ये पनीर टिक्का मसाला सब्जी बना के देखें फ्रेंड, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके आगे रेस्टोरेंट की सब्जी भी आपको फीकी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके। तो ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट मसाला बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर, ताकि वो भी अच्छे से इसमें मैरिनेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं ले लूँगी 250 ग्राम पनीर। इसको मैंने इस तरीके से छोटा छोटा रेक्टेंगल के जैसा कट कर लिया है। अब इसको मैं मसाले में डाल दूंगी, ये जो हमने मैरिनेशन बना के रखा है सारा डाल देंगे। और इसे हल्के हाथों से मसाले के साथ मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, पनीर को मैंने अच्छे से मसाले के साथ कोट कर दिया है। तो अब हम एक एक पनीर को इसमें से निकाल लेंगे, नहीं तो टूट जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं पनीर। तो इस तरीके से मैं उसी प्लेट में निकाल लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, सारा पनीर मैंने इस तरीके से प्लेट में निकाल लिया। पनीर को हम सब्जियों के साथ मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो टूट जाएंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इसे एक साइड रख देते हैं। अब इसमें मिक्स करेंगे वेजीज। तो यहाँ ले रही हूँ मैं एक प्याज, इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है डाइस शेप में। प्याज के साथ ही हम ले लेंगे एक शिमला मिर्च, इसको भी मैंने इस तरीके से बड़े बड़े आकार में कट कर लिया है। अब दोनों चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इस मसाले के साथ, ताकि ये वेजीज भी अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, सब्जी को मैंने अच्छे से इस मसाले के साथ मिक्स कर दिया है। तो जब तक हमारा सब्जी पनीर मैरिनेट होगा, हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब अगला काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ ले लिया मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में ले लेंगे सरसों का तेल लगभग दो चम्मच। मैं सरसों के तेल में ही बनाऊंगी, सरसों के तेल में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने दो चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम एक चम्मच साबुत जीरा, जीरे को अच्छे से भुनने देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही जीरा हल्का सा भुन जाएगा, हम इसमें डाल देंगे, आंच को बिल्कुल कम रखेंगे, एक पिंच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इस तरीके से जब ये दोनों चीजें हम डालेंगे तेल में, तो हमारी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ डाल दूंगी मैं दो प्याज, इस तरीके से बारीक कट करके प्याज को भुनेंगे अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड, प्याज को लगभग एक मिनट में भून लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, प्याज को लगभग मैंने एक मिनट भून लिया है। तो अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं एक चम्मच
अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट और इसे भी अब लगभग एक मिनट भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। आंच को मीडियम ही रखेंगे। कि देखिए फ्रेंड, मिर्ची अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी लगभग मैंने एक मिनट इसे भून लिया कि अच्छे से भून के तैयार हो गया है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम दो टमाटर इस तरीके से पीस के। अब टमाटर को भी एक मिनट और भून लेंगे। देखिए टमाटर डालने के बाद भी मैंने इसे लगभग दो मिनट भून लिया है और टमाटर भी हमारा अच्छे से भून के तैयार हो गया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो चलिए यहाँ सबसे पहले मैं ले लूँगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही मैं ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। मैंने हरी मिर्च का प्रयोग भी किया है, आप जैसा चटपटा बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप लाल मिर्च इसमें डाल सकते हो। साथ ही ले लेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच ही डाल दूंगी मैं इसमें गरम मसाला। बस बेसिक से मसाले डाल के हम स्वादिष्ट सब्जी बना के तैयार करेंगे। मसाले जले ना इसके लिए मैं डाल दूंगी इसमें एक चम्मच पानी। पानी यहाँ ऐड करेंगे ताकि मसाले जले ना। तो चलिए मसाले को एक मिनट भून लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए फ्रेंड, मसाले को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। मसाले ने फिर से तेल को छोड़ दिया है, इसका मतलब मसाला अच्छे से भून के तैयार हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमने नमक पनीर में भी डाला है। तो नमक को भी अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें ऐड कर देंगे एक कटोरी पानी। पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्रेवी को हम पकने देंगे थोड़ा सा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जैसी ग्रेवी बनानी है ना उसी हिसाब से पानी डाले। मैं एक कटोरी पानी डाल रही हूँ क्योंकि मैं थिकी ग्रेवी बनाऊँगी। तो चलिए मसाले को अब कवर कर देते हैं और इसे लगभग 4 से 5 मिनट पकने देते हैं। तो चलिए तब तक हमारा पनीर भी मैरिनेट हो गया होगा, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड पनीर को अब हम फ्राई कर लेंगे। उसे 15 मिनट हो गया है रेस्ट करते हुए, अच्छे से वो मैरिनेट हो गया है। यहाँ ले लिया पनीर को फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन। इसमें ले लेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड्स तेल भी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे मैरिनेटेड पनीर और इसे फ्राई कर लेंगे। इसके लिए आप नॉनस्टिक का बर्तन यूज करें, नहीं तो चिपक, नॉर्मल फ्राई पैन में चिपक जाएगा। साथ ही डाल दूंगी वेजीज जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। दोनों चीज़ों को डाल के अब उसे हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं इसे अच्छे से फ्राई करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर को मैंने अच्छे से 2 से 3 मिनट सौटे कर लिया है और ये हमारा पनीर टिक्का बन के तैयार है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, आप चाहे तो इसे इसी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज मैं पनीर टिक्का मसाला बनाने वाली हूँ तो उसके लिए मैं ग्रेवी में इसे डाल दूंगी। तो चलिए ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड ग्रेवी को भी चेक कर लेते हैं। इसे पकते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गया। ये देखिए ग्रेवी भी हमारी कितनी, तो ये देखिए फ्रेंड ग्रेवी भी हमारी कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये पनीर टिक्का जो हमने सौटे करके रखा है, सारा मैं इसी में डाल दूंगी। फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी एक टमाटर इस तरीके से कट करके और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी फिर से और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिनट और अब ग्रेवी के साथ भी हम इसे पका लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट हमारा ये पनीर टिक्का मसाला बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने सभी पनीर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए इसे हम ढक देते हैं, फिर से मैं ढक्के से सिर्फ एक मिनट के लिए पका लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक मिनट बाद। तो चलिए फ्रेंड चेक कर लेते हैं, पनीर डालने के बाद एक मिनट लगभग मैंने पका लिया है। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट सब्जी हमारी बनके तैयार है। तो चलिए फ्रेंड इसमें लास्ट में डाल देंगे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता, किसी भी सब्जी का स्वाद बढ़ा देती है। तो ये लीजिए फ्रेंड धनिया पत्ता को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और ये देखिए हमारी स्वादिष्ट पनीर टिक्का मसाला की सब्जी बनके तैयार है। लग रही है ना टेम्पटिंग, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसे रोटी पराठा नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड सब आपके फैन हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि ऐसी इजी और यूनिक रेसिपीज मैं आप लोग के लिए लेके आती रहूँ। तो मिलती है ऐसी इजी और यूनिक रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।